हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड लेडीज़, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल नेट के ब्लाउज़ के डिज़ाइंस। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डिज़ाइंस बहुत पसंद आएंगे। बट उससे पहले जो है, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि जब भी आप ब्लाउज़ स्टिच कराएं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम किसी फैमिली फंक्शन के लिए अपनी पसंद की साड़ी लेकर आते हैं, जो पर फंक्शन से 2 दिन पहले जो है, जब आपका ब्लाउज स्टिच होकर आता है, तो आप देखते हो कि ये क्या कर दिया टेलर ने, इतनी ख़राब फिटिंग। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे एक्सपीरियंस को फेस कर चुके हैं, तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स जो है वो नहीं करनी चाहिए जब आप ब्लाउज स्टिच करवाती है। फ्रेंड्स, पहली बात जो है कि आप बस्ट के साथ साथ जो है अपनी आर्म्स और शोल्डर्स का नाप देना जो है मत भूले। आप अपनी शोल्डर्स और आर्म्स का नाप जो है वो अच्छे से दे। अगर टाइट स्लीव्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो आपको क्या होता है कि आपकी बाजू जो है वो आधी कटी हुई दिखाई देती है, और लूज स्लीव्स जो है वो भी अच्छी नहीं लगती है, आपके ब्लाउज की फिटिंग जो है वो बिगाड़ देती है। इसलिए जो है वो जो बाजू है वो ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, सेकंड जो है वो पॉइंट जो है, आप ध्यान रखें कि जब भी आप नाप देते हैं, तो आप उसके साथ जो है वो सही ब्रा जो है वो वियर करें। आप उस साड़ी या ब्लाउज के साथ जो ब्रा वियर करने की सोच रही है, आप वही ब्रा जो है उस टाइम वियर करके जाएं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई भी ऐसी ब्रा, कोई लूज ब्रा वियर करके जाते हैं, और जब हम अपना मेजरमेंट देने जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हमारी फिटिंग जो है कुछ और होती है। और जब हम उसको स्टिच करा के हमारा ब्लाउज आता है, और जब हम उस ब्रा के साथ पहन के देखते हैं जो हमें एक्चुअली पहनना है, तो फ्रेंड्स उस टाइम फिटिंग हमारी कुछ और होती है। तो ये भी हमारी फिटिंग जो है वो ख़राब कर देती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप बैकलेस ब्लाउज़ जो है वो ट्राई कर रहे हैं, या शीयर ब्लाउज़ जो है वो ट्राई कर रहे हैं सिलवाने की, तो फ्रेंड्स आप कप्स ट्राई कर सकते हैं, जो पैडेड कप्स आते हैं। आजकल टेलर जो है वो वैसे कप्स जो है ब्लाउज़ के बीच में ही लगा देते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो ब्लाउज़ के लिए फैब्रिक जो है वो चूज़ कर रहे हैं, आप ये देखें कि अगर फैब्रिक जो है वो ज़्यादा पतला है, तो उसके नीचे जो है वो लाइनिंग लगवानी चाहिए, या फिर फैब्रिक पर जो है अगर ज़्यादा हैवी वर्क है, तो उसके नीचे भी जो है आपको लाइनिंग चाहिए होती है। और फ्रेंड्स, क्या होता है, जो लाइनिंग होती है वो धोने के बाद श्रिंक हो जाती है, तो इसलिए जो लाइनिंग जब भी आप खरीदें, तो थोड़ी सी जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो खरीदें, उसमें मार्जिन जो है वो होना चाहिए। या फिर आप जो है, आप जो लाइनिंग होती है वो उसको धुलवा कर फिर उसके बाद जो है आप स्टिच कराएं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि न्यू ट्रेंड जो है उसे अपडेट रहे। अगर आप अपनी साड़ी के साथ मैचिंग पीस लेने की सोच रहे हैं, फ्रेंड्स साड़ी के साथ जो है वो मैचिंग ब्लाउज जो है वो बिल्कुल आउटडेटेड हो चुके हैं। जैसे आप रेड कलर के साथ जो है वो रेड साड़ी के साथ ग्रीन ब्लाउज सिलवाने की सोच रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसे भूल जाइए, ये फैशन में नहीं है। इसे आपकी हाइट भी जो है वो छोटी दिखाई देती है, अगर हम मैचिंग पीस जो है वो साड़ी के साथ ब्लाउज का लेते हैं। आप जैसे रेड साड़ी के साथ जो है वो पिंक ब्लाउज जो है वो ट्राई कर सकते हैं, इसे आपकी हाइट भी लंबी लगेगी और आप इसे छोटे भी नहीं लगेंगे, और ये कलर कॉम्बिनेशन भी जो है वो बहुत अच्छा लगेगा आप पर। अगर आप फिर भी कलर में कन्फ्यूज़ है, तो फ्रेंड्स जो एवरग्रीन कलर होते हैं, जैसे ब्लैक कलर हो गया, गोल्ड कलर हो गया, या सिल्वर कलर हो गया, जो एवरग्रीन कलर होते हैं, इस पर आप अच्छा सा डिज़ाइन बनवा के जो है आप ऐसे ब्लाउज जो है वो स्टिच करा लें, ताकि आपकी और साड़ियों के साथ भी जो है वो काम आ सके। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।